दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इसका लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 नंबर में या 4 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, 2018 में पूछा गया। इसके अलावा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग व आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए, 19 में पूछा गया। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी के साथ याद भी कर लेंगे इस वीडियो में और बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका मन हो, वरना चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये हमें जान लेना चाहिए। इसके अलावा POP इसे कहते हैं। इसके अलावा जिप्सम क्या है, जिप्सम का क्या रासायनिक सूत्र होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिप्सम एक रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट में दो अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो ये भी कैल्शियम सल्फेट होता है लेकिन बस जल के अणुओं की संख्या यहाँ पर कम होती है, एक होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा प्लास्टर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो इन रासायनिक सूत्रों को आप लिख लीजिए, इससे आपका ये पूरा प्रश्न आसानी से सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी और आप बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा जिप्सम से, उसका उत्तर आप लिखेंगे कि जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम हमारा ये रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। तो ये जिप्सम है, जब हम इसको 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल जाएगा। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। जिप्सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है कि CaSO4 2H2O। यहां पर हमने जिप्सम के कितने मॉलिक्यूल ले लिए हैं, दो अणु ले लिए हैं। जिप्सम के आगे दो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जिप्सम के हमने दो अणु लिए हैं। तापमान पता है, बताया गया है कि 120 से 130 डिग्री सेल्सियस रखना है। एरो बनाएंगे, उसके ऊपर तापमान लिखेंगे, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो समीकरण देखिए किस तरह से लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने जिप्सम यहां पे ले लिया, ठीक यही क्वेश्चन है लेकिन समझाने के लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो 2 CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हमने गर्म किया 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर। 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो प्लास्टर जिप्सम में जल के कितने अणु हैं, एक जिप्सम के मॉलिक्यूल में दो जल के अणु हैं, जबकि यहां पर दो अणु जिप्सम के लिए गए हैं तो यहां पर जल के चार अणु होंगे। तो जब हम 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो इसके तीन जल के अणु, यहां पर चार हैं, तो तीन जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा।
बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जब हम किसी केमिकल को हीट करेंगे, अगर उसमें नमी है, जल की मात्रा है, तो वो जल की मात्रा बाहर जाएगी ऊष्मा प्राप्त करके। तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल जल में से 3 मॉलिक्यूल हमारे बाहर चले जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस क्या बन जाएगा 3H2O। तो ये जल के 3 अणु बाहर निकल गए और हमें क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया, POP मिल गया। हमें जिप्सम को गर्म करना है 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब हमने 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर हमने जिप्सम को गर्म कर दिया, जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल गर्म कर दिए, तो हमें मिल जाएगा POP और 3H2O। हमने जिप्सम को जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल लिया। अब चलिए इसके गुणधर्म देखते हैं कि गुणधर्म क्या क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का एक पाउडर होता है, सफेद रंग का चूर्ण है, जो तेज गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। अभी हमने गर्म किया था 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक। तो जिप्सम में 4 अणु जल के थे, जिससे 3 बाहर निकल गए, 1 बचा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो ये एक इसका रासायनिक गुण हुआ कि जब हम इसको तेज गर्म कर देंगे, इस टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे, तो इसमें जो बची हुई नमी है, जो बची हुई जल की मात्रा है, वो भी बाहर निकल जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, निर्जल कैल्शियम सल्फेट, अर्थात जिसमें जल ना हो, शुष्क कैल्शियम सल्फेट हमें मिल जाएगा, निर्जल कैल्शियम सल्फेट हमें मिल जाएगा। तो इसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया POP CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, जब इसे तेज गर्म करेंगे तो 2 आगे चला जाएगा CaSO4 और H2O बाहर निकल जाएगा प्लस में। तो ये क्या है कि ये है हमारा निर्जल कैल्शियम सल्फेट, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ गए होंगे ऐसी उम्मीद है। तो ये हमारा था गुणधर्म कि जब हम पीओपी को तेज गर्म करते हैं तो हमें निर्जल कैल्शियम सल्फेट मिल जाता है। दूसरे गुणों की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जमना यानी कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ठीक उल्टी रिएक्शन है, जब हमने जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, जब हीट किया था, तो 3 अणु जल के निकले थे। अगर हम यही 3 अणु जल की रिएक्शन करा दें पीओपी के साथ, तो फिर से हमें जिप्सम मिल जाएगा। बिल्कुल उल्टी रिएक्शन है जैसे कि पहले रिएक्शन थी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की। तो यहां पर हमने लिया है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, जब 3H2O इसमें जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम हमें फिर से मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक इनवर्स रिएक्शन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये है हमारा POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसमें जल की रिएक्शन कराते हैं 3H2O लेंगे तो यहां पर फिर क्या बन जाएगा, 2CaSO4 इंटू 2H2O हमें फिर से जिप्सम मिल जाएगा, फिर से हमें जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। अब इसके उपयोगियों की बात की जाए तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, जब हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी में जो प्लास्टर लगाया जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। सांचे और मॉडल बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसके अलावा मूर्तियां और खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। इसके अलावा एक और यूज होता है, आप घरों में जो पुट्टी की जाती है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का यूज होता है। तो ये कुछ उपयोग थे। इस प्रश्न में आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड पूछे गए हैं विभिन्न वर्षों में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी वीडियो, सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, समझ गए आप, रासायनिक सूत्र लिखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या। तो बनाने की विधि देख ही ली कि जिप्सम को हम 120 से 30 पर गर्म करते हैं डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें पीओपी मिल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव होता है, जब हम ज्यादा गर्म करेंगे तो हमें निर्जल कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा।
निर्जल कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, जो कि ये रिएक्शन अभी बताई थी। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बनाने की विधि, एक उपयोग भी मैंने आपको बताया मूर्तियां खिलौने बनाने में, इसके अलावा शल्य चिकित्सा में, प्लास्टर में, और सांचे और मॉडल बनाने में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए और रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जल के साथ। तो जल के साथ जब पीओपी रिएक्ट होता है तो फिर से क्या बन जाता है, फिर से वो बन जाता है हमारा जिप्सम, हमें फिर से प्राप्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस 3H2O प्लस 3H2O जिप्सम। तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।